हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई ये है भाई हीरो स्प्लेंडर प्लस 01 एडिशन। मैं आप लोग को ये आपको लेटेस्ट एडिशन दिखा रहा हूँ नए ग्राफिक के साथ। तो इसमें क्या क्या चेंज हुई है सब कुछ मैं आपको डिटेल से बात करूँगा। उससे पहले भाई इसका लुक की बात करते हैं। लुक आप देख सकते हो, इसमें आपको कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। हालाँकि अभी प्रेजेंट टाइम में ये वाली कलर अवेलेबल है, तो इसका वीडियो शूट करते हैं चेंज क्या हुई है। और जो लोग भाई बोलते थे कि भाई हीरो स्प्लेंडर अलग से मॉडिफाई कराते हैं तो स्टिकर उस्टिक लगवाते थे, तो कुछ हद तक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ हद तक इसमें चेंजेस कंपनी द्वारा आ गई हैं, जहाँ पे आप लुक देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं की, तो भाई वही सेम आपको की देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ, और यहाँ पे भाई बात करते हैं इसके ये फ्रंट फेसिया पे। तो यहाँ पे आप देखो भाई, ये आपको स्टीकर सिल्वर की फिनिश के साथ, बाकी ये आपको देखने को मिल जाएगा। हैलोजन लाइट सेम देखने को मिल जाएगा, नंबर प्लेट इंडिकेटर आपको सेम मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हैलोजन के साथ। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, टायर मड क्लैप फाइबर वाली मिल जाएंगी जो कि आती थी पहले, 18 इंच के व्हील मिल जाएंगे ट्यूबलेस टायर के साथ। IBT टेक्नोलॉजी सिंक्रोनाइजिंग, SBT टेक्नोलॉजी सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और भाई बात करते हैं इसमें हॉर्न की, तो हॉर्न पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सेम हॉर्न सेम इंजन वही जो पहले आता था वो आप देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका फिनिश काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके टैंक कैपेसिटी की, 9.8 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, ये आपको सपोर्ट कर रहा है E20 पेट्रोल के साथ। और यहाँ पे भाई आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे स्प्लेंडर 01 देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये देखो तो यहाँ पे टूल किट आपको देखने को मिल जाएगा, किक प्लस सेल्फ और i3s टेक्नोलॉजी के साथ वाला एडिशन मैं दिखा रहा हूँ। और भाई बात करेंगे इसका प्राइस भी, उससे पहले एक बार और सही ये बात करते हैं, यहाँ पे i3s वाला स्टिकर भी चेंज हो गया है इसी के साथ। और ये आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन 5 स्टेप के साथ, यहाँ पे आपको ये आपको एग्जॉस्ट देखने मिल जाएगा सिल्वर की फिनिश। और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा टायर 18 इंच के टायर मिल जाएगा ट्यूबलेस टायर के साथ। बाकी यहाँ पे पीछे से लोग दिखाते हैं, पीछे कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा जहाँ पे आप देख पाओगे। और ये है भाई ग्रेबियल ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, इसका ग्रेबियल देखने को मिल जाएगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस तरीके से। बाकी सीट हाइट और सीट कुशन नो डाउट वही आपको देखने मिल जाएगा, सीट कुशन में कोई चेंजेस नहीं हुई है, तो वो सारी चीज़ आप देख पाओगे। और इसमें माइलेज की बात करते हैं, तो भाई इसमें 80 का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके पावर की, तो भाई 8.02 PS की पावर मिल जाएगा 8000 RPM पे। टॉर्क की बात करोगे 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा, यो आपको मिल जाएगा भाई। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन का टॉप देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 165 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। गाड़ी का कर वेट की बात करते हैं, 112 kg का इसका कर वेट देखने को मिल जाएगा जहाँ पे। और ये हैंडल तो आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बाकी मीटर आपको दिखा देता हूँ। तो ये बात करते हैं इसकी जो नया वाला एडिशन है इसका प्राइस, तो इसका ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा सन मोटर्स लखनऊ में, इसका ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा 94,000 अप्रॉक्स। तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी ये जो नया एडिशन है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। छोटी सी वीडियो थी इसलिए मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा डिटेल हो जाए कि हाँ भाई नया कलर आ गया है। बनाने को तो भाई 8 मिनट की वीडियो आराम से बन जाती। तो ये था आज के लिए वीडियो, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई एक चीज़, मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ भाई, हालाँकि कई लोग सोचेंगे भाई कि इसका एग्जॉस्ट साउंड क्या होने वाला है। भाई ये है इसका एक्चुअल एग्जॉस्ट साउंड, आप लोग बताना सेम आपको देखने को मिल रहा है मुझे, बाकी आप लोग बताना कैसी है कैसी नहीं है। तो ये करते हैं इस वीडियो को, मिलता है किसी और वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।